नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल ग्रो मोर ट्रेडर में। दोस्तों तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो जो गाइस अभी 9 घंटे पहले की न्यूज़ आई है वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहले ई फाइलिंग पोर्टल नाउ असेसिबल हावर बफरिंग वो इन्फोसिस यू सेल पारित फाइनेंस मिनिस्ट्री मीट। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है दोस्तों उन्होंने वेट किया है सेल पारिक को। अभी इसकी कुछ आइए देख लेते हैं टेक्निकल इशू के बारे में। दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज सो मोस्ट इन्फोसिस ऑन अगस्त 23 एज दी न्यू आईटी पोर्टल कंटिन्यू टू सी ग्लिचिस हेवन 2.5 मंथ। 2.5 महीने से जो ग्लिचिस आ रहे हैं इसके इनके पोर्टल पे दोस्तों, उसके लिए इन्होंने तलब किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों। आफ्टर दी लॉन्च इन्फोसिस न्यू ई फाइलिंग पोर्टल इज नाउ असेसिबल राइट बफरिंग दी क्रिटिकल मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्ट्री सम मोस्ट सीईओ सेल पारिक ऑन 23। तो गाइस आज के दिन इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कोई इमरजेंसी मीटिंग है दोस्तों। दी पोर्टल विच वेंट लाइव ऑन 7 जून वेज नोट एसेसबल ऑन 21-22 टिल डेट इवनिंग दी टेक मेजर इन ए ट्वीट सैड दी इमरजेंसी मेंटेनेंस ऑफ दी इनकम टैक्स इंडिया पोर्टल हैज कंक्लूड इन एंड दी पोर्टल इज लाइव वी आर रिजेक्ट एनी इंश्योरेंस क्रउशड टू टैक्स पेयर। तो गाइस इन्होंने कहा अभी जो भी टैक्स पेयर अभी इसमें कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं अपने पोर्टल को लेकर वो अभी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों इन्फोसिस इंडिया में एक दी इमरजेंसी मेंटेनेंस ऑफ दी इनकम टैक्स इंडिया पोर्टल हैज बीन कंक्लूड एंड दी पोर्टल इज लाइव वी रिजेक्टेड एनी इनवॉइस क्रसूड टू टैक्स पेयर। तो गाइस ये इन्फोसिस ने कल रीट्वीट किया है 8:52 पे ट्वीट करके जानकारी दी है इनकम टैक्स ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट को। दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज सम्बोस्ट इन्फोसिस ऑन 23 एज दी न्यू आईटी पोर्टल कंटिन्यू टू सी ग्लिचेस एवन 2.5 मंथ आफ्टर दी लॉन्च दी पोर्टल वेज नोट असेसिबल फ्रॉम अगस्त 21 इन दी ट्वीट दी आई टी डिपार्टमेंट सैड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सम्मोस्ट सेल पारिक एम डी सी ओ इन्फोसिस ऑन 27-8 टू एक्सप्लेन टू होन दिल्ली एफ एम एज 2/7 आफ्टर 2.5 मंथ साइन लॉन्च वी लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ग्लिचेज इन पोर्टल हैव नोट बी रिसोल्ड इन फैक्ट 21-8-2021 दी पोर्टल इन सेल्फ इज नोट अवेलेबल। तो गाइस जो इनका पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है तो इन्होंने जानकारी दी है। जो इन्होंने कहा अभी हम नया कोई लॉन्च करेंगे दोस्तों तो उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। This is a second time the company will be meeting the Finance Ministry Nirmala Sitharaman over the glitches in IT portal. The new income tax portal went live on June 7 and ran into glitches the next day. It was flooding by Finance Ministry निर्मला सीतारमन वो मीट द इन्फोसिस एक्सिक्यूटिव ऑन जून 2020। इन्फोसिस वेज वे
awarding the contract 2019 after the bidding processes with an outpool of 4,242 crore. The project admit to development next generation income tax filing system to reduce processing time for return from 63 days to 1 day and also expected refund. तो गाइस इन्होंने कहा इन्फोसिस को जो 2019 में बिडिंग प्रोसेस में जो जीता था इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वो 4,242 करोड़ रुपये का था दोस्तों। तो जो अब जो इनका ये बिडिंग की थी ये नेक्स्ट जनरेशन के इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को जो क्लिचेस आते हैं ऑनलाइन में उसको दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था दोस्तों इन्फोसिस को। तो आइए पढ़ लेते हैं आगे दोस्तों। ड्यूरिंग द मीटिंग विद FM इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव हैड यू शेड दस दी फ्रॉम एज अमेगमेट दी रिसीव्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द हार्डवेयर एज वेल एज the application side and the some of the problem have already been identified and fixed. Infosys has been working to address all issues relative to the new income tax portal. Many performance relevant issues have been resolved and close 10 lakh income tax return have been filed for you. So fair trade company COO UB Parveen Roy on July 14. तो गाइस जो इनकम टैक्स का पोर्टल है इन्फोसिस ने न्यू बनाने की बात कही है अभी अपने ट्वीट में दोस्तों, और जो इशू है इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी इसमें जो भी 10 लाख का इनकम टैक्स भर रहे थे गाइस वो बैक आ रहा है दोस्तों, उसमें कुछ भी काम हो नहीं रहा है दोस्तों। तो इस बेस पे ये न्यूज़ आई है। तो गाइस ये देखना ये बाकी होगा जब इन्फोसिस के शेयर के ऊपर इसका क्या रिएक्शन पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इन्फोसिस के शेयर के ऊपर दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इन्फोसिस का शेयर निकाल लिया है। तो गाइस इसमें आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करके। अभी चल रहा है 1732 रुपये का प्राइस। अब इसमें कम से कम नहीं तो 232 रुपये की इसमें गिरावट तो शायद आनी चाहिए दोस्तों, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। तो ये एक्सपेक्टेशन दोस्तों गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसमें काम कर सकते हैं। कंपनी इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस इस अपॉर्चुनिटी का लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। जिनके पास कैपिटल अच्छी खासी है वो अपनी कैपिटल लगा सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो दोस्तों हमें इसमें इन्फोसिस में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर में सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी OI चेक करनी होगी दोस्तों। जब इसकी OI ज़्यादा हो जाती है तब किसी भी शेयर में या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में करेक्शन आनी शुरू हो जाती है। जब यहाँ पे फ्यूचर OI 22% की हो जाती है तो करेक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों फ्यूचर OI के अकॉर्डिंग। और PGR का डेटा लो हो तो दोस्तों तो ये शेयर नीचे आ जाएगा। ये PCR बढ़ने लगा दोस्तों तो शेयर की प्राइस ऊपर जाने लग जाएगी। तो मेन रीज़न ये होता है दोस्तों, इस जो ये मैंने डेटा निकाल रखा है दोस्तों। तो आप भी ये मैंने जीरोधा का निकाल रखा है दोस्तों, आप भी अपने जीरोधा अकाउंट का निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।